जी मोहम्मद ज़हीर अख्तर हैं, आज कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्पेशली मेरे वो सब भाई दोस्त तो कल परसों से काफ़ी मैसेज लोगों के आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था दो तीन दिन पहले लोगों ने कमेंट भी वहाँ पे किए थे कि क्या कोई अपडेट्स है वीज़े के बारे से। तो एक माशाल्लाह से अच्छी और प्यारी अपडेट्स आपके लिए मैं लेके आया छोटी सी कि कल की डेट में माशाल्लाह से हमने अबू धाबी के अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए यानी कि आउटसाइड के तकरीबन 4 to 5 वीज़े हमने सबमिट करवा दिए हैं, सही है। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी अपडेट इंशाल्लाह ये सोमवार मंगल यानी कि कह सकते हैं कि ये इस वीक के अंदर कन्फर्म आ जाएगी। और तो टाइम पीरियड हमें दिया गया है तकरीबन 5 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर उन्होंने हमें दिया कि हम इनके वीज़े देंगे और ये कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर जो लोग अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं डायरेक्ट उनको वीज़ा चाहिए, स्पेशली जिनकी एज का इशू है, जिनकी एज कम है, सही है, जो आना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए उनके लिए, लेकिन अबू धाबी की तो फेयर हैं वो थोड़े हाई हैं याद रखिएगा, प्लस गारंटी डिपॉजिट है वो लाजम है। अगर चाहिए वो आपको रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये हमने तो कोशिश की है सिर्फ उनके लिए कि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। दुबई का तो आ सिस्टम आपको लास्ट टाइम बताया था ओके है, लेकिन शारजा का स्टेट अभी तक वही प्रॉब्लम फेस की जा रही है, उसका अभी तक कोई हमारे पर ऑप्शन नहीं आया है शारजा के हवाले से। हाँ, अगर आप वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो वो दुबई का सिस्टम माशाल्लाह हमारे पास एक्सेस आ चुका है और हम उसमें आपको एक्सटेंड करवा के दे सकते हैं 2 मंथ का वीज़ा। ये कुछ अपडेट्स थी, जिन्होंने लेना हुआ वो रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह उनको पूरी डिटेल देंगे। इस आप सवाल या मंगल से हमसे यानी कि मंडे से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन इस्लामिक के मुताबिक देंगे, क्या प्राइस मिलेगी, क्या आपको उसका गारंटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, सारी डिटेल आपको मिलेगी इंशाल्लाह।